स्वागत है दोस्तों एक नए व्लॉग में। मैं गया था बिग बाज़ार मेला सेक्टर 13 में लगा हुआ है एंड काफ़ी कमाल की चीज़ें वहाँ पे लगी हुई हैं, और जिसमें कि ये सब देखिए ऐसे कप सेट्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं और काफ़ी सस्ते में रिजनेबल हैं। ये सारे जो कप सेट हैं ये आपको 6 पीस का कम से कम 200 रुपये का पड़ेगा। ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी है, इससे कम का भी है लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी फिर। एंड बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर शायद जिस मटेरियल से टाइल्स वगैरह बनते हैं नीचे के वैसा ही है, बस उसमें प्रिंटिंग वगैरह पेंटिंग किया गया है। अब जब यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा इस मेले में। बिग बाज़ार के इस मेले के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो पूरा डिटेल्ड बनाया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। राजस्थानी बैंगल्स वगैरह यहाँ पे मिल रहे थे एंड ये कुछ 100 रुपये का एक सेट आता है। ये देखिए जो एक एक बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, ये बॉक्स ही आपका 100 रुपये का आता है, ठीक है। और ये देखिए कैसे डिज़ाइंस वगैरह हैं, बहुत ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से, काफ़ी बढ़िया लुक्स यहाँ पे ला रहे हैं। और राजस्थान का मतलब ये पहचान है, इसी तरह की कारीगरी यहाँ पे की जाती है और काफ़ी कमाल के डिज़ाइंस रहते हैं, शाइनी लुक रहता है इन लोगों का, बैंगल्स जो रहते हैं इनके। और इसमें जो सेट है जहाँ पे देखिए दो मतलब बैंगल्स जो है थोड़े चौड़े वाले रहते हैं एंड पतले वाले कुछ बैंगल्स भी रहते हैं, तो ये पूरा सेट है इनका एक एक बॉक्स का। ये लोगों ने 100 रुपीज़ का प्राइस रखा हुआ है जो काफ़ी अच्छा है। ये चाचा आपने इनको ज़रूर पहचाना होगा, आदि महोत्सव में इनका एक शॉप हुआ करता था और मैं उनसे मिला तो काफ़ी खुश हुए एंड मुझे अपने पास बिठा लिया और बातें करने लगे एंड और मैंने उन्हें अपने मतलब वो जो वीडियो मैंने पहले बनाया था आदि महोत्सव वाला, उनको मैंने वो वीडियो दिखाया, अपनी वो पुरानी वीडियो देख कर बहुत खुश हुए एंड यहाँ पर उन्होंने मुझे अपना कार्ड वगैरह भी दिया है। और उनका शॉप जो है वो राउरकेला में ही है। ये देखिए मैंने यहाँ पर उनको उनका वीडियो दिखाया पुराना वाला जो मैंने उनके साथ बनाया हुआ था पहले आदि महोत्सव वाला, जब भंजावन में शॉप लगा था उनका, उन्होंने मुझे कार्ड दिया है एंड ये कार्ड में उनका नंबर वगैरह सब है, आप अगर चाहें तो विजिट कर सकते हैं। ये न्यू बस स्टैंड के पास राउरकेला में जो विसर चौक के पास जो न्यू बस स्टैंड है वहाँ पर उनका शॉप है सलीम जेम स्टोन करके, आप वहाँ से जाकर अगर स्टोन वगैरह कुछ परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर उनके कार्ड पर उनका नंबर भी है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं उनके साथ, उन्होंने कहा कि कांटेक्ट करके भी वहाँ पे कोई आ सकता है जो भी मेले के बाद अगर वे परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मेला तो अभी कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। और मैंने उनके साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाई है, काफ़ी हैंडसम लग रहा हूँ मैं, हाँ मतलब चाचा भी लग रहे हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप शॉप में मतलब मेले में घूम सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आगे चल के दिखाऊँगा कि मैंने एक ज्वेलरी शॉप यहाँ पे विज़िट किया था वहाँ पे, और वहाँ के जो दो सर थे वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी फ्रेंडली थे, अच्छे से बात किए एंड सब कुछ समझाया किस तरह से वो लोग अपना ज्वेलरी वगैरह क्या प्राइस है कैसा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है वो शॉप चांदी भंडार, ऐसा है उनका शॉप का नेम, और यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं उनकी, वो मार्केटिंग करते हैं ज़्यादातर चांदी के ही आइटम्स रखते हैं ये। क्या प्राइस आएगा इनका? ये सब 1200 में स्टार्टिंग है, 1200 में जी, चेंज हैं और ये आपके पायल्स हैं जो सिल्वर के सबसे फेमस चीज़ है। अच्छा अच्छा, ये सब कितने में आ जाएगा मतलब? 1800 2000 के अंदर। ये ब्रेसलेट्स हैं, ये मतलब 3000 4000 जेंट्स के, ये 3000 के आसपास है ना? कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आया ना, यहाँ से लोग आपको चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है इसका मतलब? सर ये डायमंड स्टोर है। अच्छा, तनिष्क पार्टनरशिप में डायमंड स्टोर है ये लेकिन कहाँ पे है? ये आपका बिस्रा रोड में। अच्छा अच्छा, इंदिरा प्लाजा के सामने। ठीक जी, डायमंड्स के ये सब, डायमंड्स के ये सोच लोगे, मैं वाइट वाइट ही सारे डायमंड्स हैं, ये गोल्ड है जी, ये कैरेट लेन का सबसे फेमस बटरफ्लाई कलेक्शन है जी, बढ़िया लग रहा है। ये कैटलॉग रख सकता हूँ मैं? हाँ जी हाँ जी, सब रख सकते हैं आप। ठीक है, ये दोनों सर काफ़ी फ्रेंडली हैं।
अब चलिए हम कार्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कार्स कंपनीज यहाँ पे अपने कार्स का एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, प्रमोशन के लिए यहाँ पे आए हुए थे। एंड मारुति सुजुकी की तरफ से, किया की तरफ से, हुंडई की तरफ से काफ़ी सारे कार्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं कुछ कार्स के इंटीरियर आपको ज़रूर दिखाऊँगा। सेलेरियो भी है, ये देखिए यहाँ पे सेलेरियो दिखा रहे हैं, और काफ़ी बढ़िया कार्स हैं। ये मेरा भांजा शायद कुछ लिख रहा है उसके ऊपर और ये हुंडई अल्काज़ार, ये काफ़ी कमाल की कार है, और ये कुछ ऑन रोड उनका बता रहे थे 19 लाख तक आ जाएगा। इसका इंटीरियर जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत पसंद आया। सो मैं इसका इंटीरियर आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। इंटीरियर सच में बहुत ही शानदार था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के जो सर थे उन्होंने अलाउ किया इंटीरियर दिखाने के लिए, सो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे इसका जो भी यहाँ पे इंटीरियर है, उसका जितने डिज़ाइंस हैं। और यहाँ पे भी देखिए एयरबैग लगा हुआ है, मतलब राइडर और उसके साइड वाले राइडर के लिए भी यहाँ पे एयरबैग यहाँ पे मिल जाता है। सो काफ़ी कमाल की कार है ये। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए लाए हुए हैं। और LED TV भी रखे हुए थे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन है 5-star वाले, और ये भी काफ़ी कमाल के हैं, 6.5 kg वाले हैं ये। और ये मेरे घर में वैसा ही एक ठो है, आप अगर चाहें तो यहाँ से वो भी परचेज़ कर सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं। रेनॉल्ट वाले भी अपनी कार लेके आए हुए थे यहाँ पे, और काफ़ी कमाल कमाल के डिज़ाइंस आ चुके हैं आजकल कार में और बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। ये है रेनॉल्ट किगर। वहाँ पे अभी क्या है कि डेली प्रोग्राम वगैरह भी चलते हैं, कुछ सिंगर वगैरह यहाँ पे आके अपना मतलब हुनर दिखाते हैं। सो थोड़ा बहुत प्रोग्राम चले यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मध्य आपण माने तांको देखि दिबे आमा राउरकेलार प्रतिभासी आमार अमूल्य रत्न कहिबाकु गले, तबे तांको मो मंच को आमंत्रण करिवि, किंतु आपण माने कोटु एया प्रतिश्रुति दे देबे एवं निहाती भाबरे मन ध्यान दे आपण माने तांको कविता को सुनिबे, आपण को निहाती भलो लागिबो ए ग्यारंटी मु देबे। तबे आपण मानको सामने मो उपस्थापना करिबाकु चाहूछि आमार आमंत्रण करिबाकु चाहूछि आमार व्यंग कवि ब्रज बिहारी दास। तेरे गोटे जोरदार कर सहित गोटे जोरदार कर सहित आमंत्रण करी ब्रज बिहारी दास सर, धन्यवाद। रुचिकर संध्या रे मोर हार्दिक अभिनंदन। प्रथम मो परिचय से मैडम दे सारी, तथापि मुझे दौड़ी आज नुआ सतगमन राउर केलार इस्पात शिल्पर पथर रु बड़े लुहा पथ हुड़ुवा पथिक मान को देपे व्यंग चिया ब्रज विहारी मो ना व्यंग भारती मो उपाधि अटई व्यंग भारती मो उपाधि अटई मुए राउरकेलार छुआ मुए राउरकेलार छुआ मुए राउरकेलार छुआ मुए राउरकेलार छुआ आज बुढ़ा हो रिटायर्ड हो आम जगन्नाथ होती गाड़ी प्रिय ताली प्रिय प्रथम गोटे ताली न बाजे से थाली उठे ना छोटे बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे क्योंकि कमाल की जगह है यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटा सा बोट है जिसे अपने हाथ से वो लोग चला सकते हैं पानी के अंदर, काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे। सो मैंने सोचा कि यहाँ पे अगर मैं छोटा होता तो मेरे टाइम में अगर ये सब वगैरह यहाँ पे होता तो मैं जरूर ट्राई करता, लेकिन हमारे बचपन में ये सब कुछ था ही नहीं यार सच में। और यहाँ पे बच्चे ट्रैंपोलिन में जंप भी कर सकते हैं। सो वीडियो यहाँ से करते हैं एंड। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।